देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सोनिया गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब इस मुश्किल में एक और जगह की एंट्री हो चुकी है। राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अब सोनिया गांधी को बड़ा झटका आने वाले दिनों में मिल सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में एक बार फिर असंतोष की चिंगारी उठने लगी है। वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव और सीएम बघेल के बीच तनातनी शुरू हो गई है। सिंहदेव ने जहां पंचायत और ग्रामीण मंत्री का पद छोड़ दिया, वहीं सीएम ने तुरंत इसका प्रभार रविंद्र चौबे को सौंप दिया। सरकार में बढ़ती दरार को देखते हुए कांग्रेस इसे पाटने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को हालात के बारे में पूरी जानकारी जो है वो देनी चाहिए और इसमें दखल देना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुनिया ने राज्य के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करते हुए कहा कि सिंहदेव ने सिर्फ एक विभाग छोड़ा है। सिंहदेव ने सीएम बघेल को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि मैंने दोनों से बात करने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकाला जा सका है। केंद्रीय नेतृत्व को पूरी इसकी जानकारी है, जो भी कार्रवाई जरूरी होगी वो की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर ये तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई जा रही है कि जहाँ एक एक करके सभी राज्यों से कांग्रेस सिमट रही है, अब सबसे बड़ा झटका राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी उनको लगता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अब वो उस कगार पर पहुंच चुकी है कांग्रेस की, अब वहां से भी सीएम की कमान उनके हाथ से जाती हुई साफ नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बघेल की तरफ से पहले भी देखा गया है कि बघेल लगातार कांग्रेस के ही नेतृत्व पर सवाल जो है वो खड़े करते नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बघेल जो है आने वाले समय में या तो अपनी पार्टी तैयार कर लेंगे या फिर यहाँ पर जो है वो किसी और पार्टी के साथ विलय हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है सोनिया गांधी की जो पकड़ है और सोनिया गांधी की जो बातों का जो पालन है वो बेहद ही कम किया जाता है। तो देखा ये भी जा रहा है कि यहाँ जो है बघेल कहीं ना कहीं अपने सभी नेताओं को वहां पर तबादले में लेकर के आ रहे ताकि उनके नेता जो है वो सभी के सभी पार्टी के अंदर आ जाए और पार्टी के जो पहले के नेता है जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का समर्थन कर सकते हैं उन सभी को एक एक करके निकालने की नीति यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट को देख करके आप लोग को क्या लगता है, क्या लगता है यहाँ पर बघेल जो है वो जिस नीति के साथ आए हैं क्या यहाँ पर सोनिया गांधी को बड़ा झटका लग सकता है, क्या सोनिया गांधी जो है वो अब यहाँ छत्तीसगढ़ की भी कमान खो देंगी? तमाम मुद्दे पर आप लोग की क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।